नमस्कार दोस्तों, ये एक बड़ा ग्रो बैग लिया है जो मैं टमाटर के पौधे उगाने के लिए मैंने लिया है। ये 15x15 का ग्रो बैग है। तो सर्दियों में आप अगर टमाटर, बैंगन इस तरह के पौधे उगाना चाहते हैं, सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो 12 से 15 इंच का ग्रो बैग कम से कम आपको ज़रूर लेना होगा। और इसको भरने के लिए फिर एक समस्या और आती है कि मिट्टी कहाँ से लाएँ। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको पूरा मिट्टी से भरें। इसको हल्का रखने के लिए आप इसमें नीचे इस तरह के डिस्कार्डेड पौधे, पत्ते, गत्ते सब कुछ डाल सकते हैं। ये देखिए, ये तोरी की बेल जो थी वो उखाड़ के रखी हुई थी। जितने भी गार्डन में डिस्कार्डेड जो पौधे होते हैं जो सीज़न के बाद निकलते हैं, आप उनको ना फेंक के इकट्ठा कर लें। और ये पेड़ के जो पत्ते सर्दियों में निकलते हैं उन सबको आप इकट्ठा करके रख लें और इस तरह से फिर ग्रो बैग भरने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो बात आती है कि अगर मिट्टी कम है तो पौधे अच्छे नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता। मिट्टी अगर कम होती है, ये जो भी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। ये उल्टा पौधे के ग्रोथ को हेल्प करेंगे। ये इसमें मैंने गत्ते डाल दिए हैं, पत्ते डाले हैं। आपके पास अगर ग्रीन वेस्ट इकट्ठा हो रखा है, किचन वेस्ट, तो वो भी आप इसमें नीचे डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर एक मोटी मिट्टी की लेयर बनाई जाएगी। तो ये पूरा मैं इसको पहले भर दिया है अच्छे से, दबा दबा के, आधे से ज़्यादा इन चीज़ों से इसको हमें भर लेना है। तो इससे एक तो फ़ायदा होगा कि ग्रो बैग नीचे से पोरस रहेगा, ठीक है, तो मिट्टी नीचे नहीं जाएगी ज़्यादा, और नीचे जो छेद हैं ग्रो बैग के वो बंद नहीं होंगे और फंगस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी लकड़ी वगैरह भी इसमें डाल सकते हो, जैसे इसमें लगी हुई है, मैं सब इसके टहनियों से मैं इनको डाल रही हूँ, ठीक है, थोड़ी मोटी जो है उनको निकाल लूँ। तो पोरस रहेगा एक तो ये नीचे से ग्रो बैग, पानी आसानी से निकल जाएगा, साथ ही बहुत हल्का रहेगा, इसकी मूवमेंट बहुत आसान रहेगी। आप एक जगह से दूसरी जगह पर इसको आसानी से उठा के रख सकते हैं, क्योंकि ग्रो बैग में अपना कोई वज़न नहीं होता। जितना भी वज़न होगा इसमें मिट्टी का होगा। तो अगर मिट्टी इसमें कम रहेगी, पत्ते ज़्यादा रहेंगे, तो ये जो ग्रो बैग है वो हल्का रहेगा। साथ ही अब इसमें हमें ये जो चीज़ें होती हैं ये पौधे की ग्रोथ को एनहेंस करती हैं, क्योंकि इनका धीरे धीरे जो है खाद बनता रहता है। ये चीज़ें डिकम्पोज हो जाएंगी और इनका खाद बन जाएगा। तो अब इसमें जो मिट्टी डालनी है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किनारों की तरफ से मिट्टी अच्छे से डाल देनी है, क्योंकि जब हम पानी भरेंगे इसमें तो किनारों से मिट्टी नीचे चली जाएगी, ग्रो बैग थोड़ा फैल जाएगा और वज़न से, और जो ढलान है वो साइडों की तरफ हो जाएगा, और जब भी हम पौधे में पानी देंगे वो साइडों से निकल जाएगा। तो इसलिए साइडें थोड़ी दबा दबा के अच्छे से टाइट करके भर देनी है, और इसको ग्रो बैग को बिल्कुल ऊपर तक भरना है, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो पत्तों में कुछ मिट्टी नीचे चली जाएगी, पत्ते भी नीचे बैठ जाएंगे गीले होकर। तो इस तरह से साइडों में दबा दें तो मिट्टी का जो लेवल है वो अपने आप नीचे चला जाएगा। तो टमाटर के पौधे ऐसे होते हैं कि उनमें आप बाद में भी मिट्टी डाल सकते हैं। अगर उसकी स्टेम आप उसमें मिट्टी में कुछ दबा देते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उसकी स्टेम में जो होते हैं जड़ें होती हैं छोटी छोटी, और अगर हम उन्हें मिट्टी में दबा देते हैं तो वो उसमें ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं और हमारा पौधा ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। तो इस तरह से ये अब मैंने लगा दिया है, भर दिया है, और 1/4 इसका अभी बहुत थोड़ा सा एक हिस्सा मैंने ऊपर छोड़ रखा है 5-6 इंच का। तो इसमें अभी हम ये दो पौधे लगा रहे हैं टमाटर के। तो इसकी जो छोटी छोटी ये नीचे टाइनी रूट्स होती हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे जो बाल जैसे होते हैं, ये जड़ें होती हैं, और अगर हम इनको मिट्टी में दबा देते हैं तो ये इतना, अगर हम मिट्टी में इसको दबाते हैं तो यहाँ पर जड़ें डेवलप हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इतना जितना इसकी गहराई है इतनी अभी इसमें मुझे और मिट्टी भरनी है नीचे से थोड़ा हटा के। अब मैं इसको यहाँ पे जहाँ लगाना है वहाँ रख देती हूँ। एक ये दूसरा है, ये खाली कोकोपीट में और खाद में मैंने उगा रखा है, इसको भी इसमें लगा देती हूँ। तो 15 इंच का जो ग्रो बैग है आप इसमें दो आसानी से लगा सकते हैं, दो पौधे टमाटर के। साथ ही साइडों में आप पालक, बथुए के बीज भी डाल सकते हैं, एक साथ दो दो चीज़ें इसमें ले सकते हैं आप ग्रो बैग से। सर्दियों का जो सीज़न होता है सब्जियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस समय आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लगाएं, क्योंकि गर्मियों में तो इतनी गर्मी हो जाती है कि कुछ भी नहीं होता, पौधे जल जाते हैं। अब इसको चारों तरफ से मैं अच्छे से मिट्टी और जो मेरा सॉयल मिक्स है उससे भर देती हूँ।
पूरा जहाँ तक इसका लेवल है, तो ये इतना ज़्यादा इतना इसमें अच्छी खासी मिट्टी की लेयर हो गई है, और नीचे इसमें पत्ते हैं, और पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे, गट्टे भी डिकम्पोज हो जाएंगे, और हमारा पौधा जो है वो आसानी से उगता रहेगा, चलता रहेगा इस। तो इस तरह से कम मिट्टी में बड़ा ग्रो बैग भर के आप पौधे लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्योंकि ग्रो बैग में कोई वज़न नहीं होता, तो इससे ये बहुत बहुत हल्का भी होता है, और इतने बड़े ग्रो बैग में जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से पौधा चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा गमला आप जो है या पूरा ग्रो बैग मिट्टी से भरें, डिस्कार्डेड पत्ते जो है वो लीफ कंपोस्ट का काम करते हैं। और ये हमारे पौधे जो हैं वो लग के हो गए बिल्कुल तैयार। टमाटर के पौधे को आप कोशिश करें कि छत पे लगाएं, खुले में लगाएं, क्योंकि इसको ये ट्रॉपिकल पौधा है, इसको धूप बहुत पसंद है, साथ ही इसको पानी भी बहुत पसंद है। तो पानी और धूप दोनों इसको खुले में खुले चाहिए होते हैं, लेकिन मिट्टी पोरस होनी चाहिए, जैसा कि इसमें पत्ते हैं, नीचे से पानी एक्स्ट्रा जो होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके पौधे जो है आप इन लग गए हैं, और ये हमारे पौधे जो हैं अब टमाटर हमें 2 महीने बाद टमाटर दे देंगे। जब फूल आते हैं तब पानी कम डालना होता है, नहीं तो इसको गीला रखना है, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, और खुली धूप पौधे इसको टमाटर को बहुत पसंद है। तो इसलिए छत पे आप इस तरह के बड़े ग्रो बैग में अगर टमाटर लगा देते हैं तो पूरी सर्दी आपको टमाटर घर से ऑर्गेनिक टमाटर और फ्रेश टमाटर मिलते रहे।